हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पुरानी यादों में जाने के लिए? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कार्टून्स और एनिमे की, और ये वक्त जब का है जब सोनिक लॉन्च ही हुआ था। क्योंकि भाई सच में सोनिक जब लॉन्च हुआ था ना, उसने हमें काफी जबरदस्त एनिमे और कार्टून प्रोवाइड करे थे, जिसे मेरे जैसे कार्टून के कीड़ों ने काफी ज्यादा इंजॉय करा था। और उसी टाइम से कार्टून नेटवर्क की हालत भी काफी ज्यादा बुरी होने लग गई थी, बट सोनिक एक उम्मीद की किरण बन के आया था, जिसने काफी जबरदस्त एनिमे और कार्टून प्रोवाइड करे थे हमें, जिसे हमने काफी ज्यादा इंजॉय करा था। और इवन की मेरी हालत तो ये थी कि मैं आज सोनिक देख रहा हूं तो कल पूरे दिन स्कूल में उन कार्टून्स और एनिमे के बारे में डिस्कस करना है, और कहां स्कूल का टाइम निकल जाता था पता भी नहीं चलता था उन सब चीजों के बारे में बात करते करते। और सच में वो वाइब्स इतनी तगड़ी थी कि आज वो वाइब्स आती ही नहीं है, क्योंकि भाई वो टाइम बहुत ही ज्यादा अलग था, जिसे मेरे जैसे कार्टून के कीलों ने काफी ज्यादा एंजॉय करता, जिसमें चार चांद लगाए थे सोनिक ने। और सच में सोनिक पर उस टाइम ना काफी जबरदस्त कार्टून और एनिमे आया करते थे, जो आज की जो जनरेशन है वो सब उन सब चीजों को भूल चुकी है, क्योंकि आज के टीवी पर ना कोई खास चीज नहीं दिखाई जाती। इतनी बुरी चीज दिखाई थी ना कि आपके सर में दर्द हो जाएगा उन चीजों को देखते हुए, बट हमारे टाइम पे तो हमें काफी जबरदस्त कार्टून और एनिमे प्रोवाइड करे गए थे, जिसे मेरे जैसे काफी ज्यादा फैंस ने एंजॉय करता। और आज भी हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो सच में टाइम कहां निकल जाता पता भी नहीं चलता। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सोनिक के 10 ऐसे कार्टून और एनिमे बताऊंगा जो उस टाइम काफी ज्यादा जबरदस्त थे और उनका काफी ज्यादा क्रेज था और मेरे और आपके काफी ज्यादा फेवरेट रहे थे। और उन सारे कार्टून के बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेट्स गेट फिगर आउट जेचबेल। और सच में इस एनिमे की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। और ये एनिमे आया करता था सोनिक पे 2 बजे, और मेरे स्कूल की छुट्टी भी हुआ करती थी 2 बजे। मैं अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करता था इस एनिमे को देखने के लिए, सच में सिर्फ मुझे ही पता है। और फिर इस एनिमे को देखने के बाद अगले दिन अपने स्कूल में जाके मेरा एक दोस्त था अरसलान, सच में वो भी इस एनिमे का काफी ज्यादा जबरदस्त फैन था, और फिर हम दोनों पूरे पीरियड्स बस इस ही एनिमे की बातें करा करते थे, और हमें इसके बारे में बात करना इतना अच्छा लगता था कि हमें सिर्फ उस टाइम इसकी ही बातें करा करते थे। और जेचवेल पहले तो कार्टून नेटवर्क पर आया करता था, बट जैसा कि मैंने कहा कार्टून नेटवर्क की हालत काफी ज्यादा बुरी होने लग गई थी, बट ये फिर टेलीकास्ट हुआ सोनिक पे, जहां वो काफी मतलब ठीक तरीके से टेलीकास्ट हुआ था, और इसकी हिंदी डब भी काफी जबरदस्त थी। और ये एनिमे जिस तरीके से ड्रैगन बॉल जी में लंबी लंबी फाइटें चलती है ना, बिल्कुल सेम ही जेचवेल में भी लंबी लंबी बैटल्स चलती हैं, और इस काफी जबरदस्त एक्शन, काफी जबरदस्त कॉमेडी, और सच में ये एनिमे काफी ज्यादा इमोशनल भी है। ये एनिमे आपके दिल को भी छू जाता है। और ये एनिमे अगर आपने नहीं देखा है, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, बट जो है नई ऑडियंस, जो नए बच्चे जो उभरे हैं, अगर उन्होंने ये एनिमे नहीं देखा है, सच में आप बच्चे काफी जबरदस्त एनिमे मिस कर रहे हैं, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। वैसे भी टीवी पे तो टेलीकास्ट तो होता नहीं, आपको जाहिर सी बात है मोबाइल पे ही देखना होगा, बट आप मोबाइल पे भी इस एनिमे को काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। इवन कि मैं तो इस एनिमे को इतना एंजॉय कराएगी, इस वीडियो को बनाने के बाद मैं जेचवेल दोबारा से पूरा कंप्लीट देखने वाला हूं। इडियट इन जंप। और सच में ये एनिमे भी मेरे जैसे काफी फैंस का काफी ज्यादा फेवरेट रहा होगा। इवन कि मेरा ये इतना फेवरेट रहा है कि इस एनिमे को देखने के बाद मैं बाहर अपनी साइकिल लेके काफी स्टंटबाजी करता था, जिससे मैं काफी बार गिरा भी हूँ। और सच में ये स्टंटबाजी ना बहुत महंगी पड़ी थी मुझे उस टाइम, बट यार इस शो का क्रेज कुछ इसी तरीके का था, और मेरे जैसे काफी फैंस ने वही एनिमे कार्टून के कीड़ों ने काफी ज्यादा एंजॉय कराया इस शो को। और इडियट इन जंप में जो रेसिंग बैटल और रेसिंग का जो पैटर्न है, सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और सो यामाटो और शो यामाटो के जो फ्रेंड्स है, उनकी भी हमें बैक स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है। ओवरऑल इस एनिमे ने हमारे चाइल्डहुड को काफी ऑसम बनाया, जिसे हमने काफी ज्यादा एंजॉय कराया, बट आज की जनरेशन इन सबसे दूर है, क्योंकि उनको भी पता ही है नहीं है कि इतने तगड़े तगड़े कंटेंट भी है। बट आज की जनरेशन तो इस टाइम मोटू पतलू देख रही है या डोरीमन, डोरीमन भी खैर ठीक है, बट वो बार बार देख देख के पकते नहीं है क्या? और सच में अगर आज की जनरेशन को इस एनिमे के बारे में बताए ना, तो बिल्कुल सेम ऐसी कहावत लागू होती है कि उनके ऊपर भैंस के आगे पीन बजाना, सच में यही है। घोस्ट एट स्कूल। और सच में क्या जबरदस्त एनिमे था। इस एनिमे को भी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एनिमे का मुझे एक एक एपिसोड आज भी याद है। भले से इस एनिमे को देखे मुझे 5 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैं 2012 में देखा करता था, 2012 या 13 में इस एनिमे को देखा करता था, और आज भी ये एनिमे मुझे पूरी तरीके से अब भी याद है, क्योंकि भाई ये एनिमे काफी ज्यादा जबरदस्त था। और जब अपने स्कूल में जाया करता था ना, तो इस एनिमे की बातें इतनी करता था कि मेरे दोस्त कहते थे कि तू उसका फैन है, मैं बोलता था यस मैं हूँ, भाई जब मैं था फैन मैं क्यों नहीं
बोलूँ। और मेरा एक उनमें से एक दोस्त भी था जो इसका भी फैन था, हम दोनों 24 घंटे इसकी ही बातें करते थे। हाँ आप समझ सकते हैं कि मेरे स्कूल में ग्रुप बने हुए थे जहाँ कोई किसी चीज़ का फैन है कोई किसी चीज़ का, बट मैं सभी चीज़ का फैन था और मैं सारे एनिमे इन्जॉय करा कर सकता था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 24 घंटे में मैं 12 घंटे बस टीवी देखा करता था और उन पर कभी कार्टून नेटवर्क कुछ देख रहा हूँ कभी सोनिक पे, उस टाइम कार्टून नेटवर्क की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, बट सोनिक उस टाइम जब नया नया आया था ना, सच है सोनिक जब आया था ना मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि मैंने सोनिक का हर एक कार्टून और एनिमे को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा। मैंने टाइम बना रखा था मेरे कब देखना है, मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे ये कितना टीवी देखता है। और सच में आज भी उन पुराने दिनों के बारे में सोचता हूँ तो उनके ख्यालों में खो जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी इन बातों को समझ सकें। सुपर स्ट्राइकर और सच में इस शो को देखने के बाद ना मेरा फुटबॉल में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा था। और इस शो के टोटल 7 सीजन है, वैसे मैंने इसके सारे सीजन नहीं देखे, मैंने सिर्फ इसके 4 सीजन देखे, बट मैं इसके और सीजन कंप्लीट कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। और इस शो का थीम सॉन्ग जो मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट था, मैं कहीं भी नर्वस होता हूँ ना तो सुपर स्ट्राइकर का मैं थीम सॉन्ग गाए लग जाता हूँ, जैसे कि मैं आया हूँ यहाँ पे लगे हो सुलग के पार, लगा दूँ मैं अपनी जान फिर है जीत मेरी यार, हर पल देखो मुझ में मैं हूँ 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर। हाँ आई नो मैं एंड के पार्ट में थोड़ी गड़बड़ कर देता हूँ, बट इसका थीम सॉन्ग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओवरऑल ये शो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है जिसे हमने अपने चाइल्डहुड में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और काफ़ी ज़्यादा वॉच भी किया है, मैंने तो बहुत किया है। डायनासोर किंग और ये शो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त शो है। और इस शो में मुझे पता है सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया था, वो आई थी अल्फा गैंग, क्योंकि अल्फा गैंग को ना हमने पॉकीमोन के टीम रॉकेट की याद आती थी क्योंकि वो कैरेक्टर टीम रॉकेट की ही तरह थे। और अल्फा गैंग के मेंबर थे अर्सला, जेंडर और एड, जितना जहाँ तक कि मुझे याद है। वैसे डायनासोर किंग एक काफ़ी अच्छा शो है जिसे हम सभी ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा है। और अगर आपको इस शो के बारे में कुछ भी अच्छा पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। कॉन्ग, अगर आपने सोनिक को स्टार्टिंग से फॉलो करना स्टार्ट करा है, जब सोनिक लॉन्च हुआ था तभी से आप सोनिक को देख रहे होंगे तो आपको कॉन्ग शो तो याद ही होगा, क्योंकि कॉन्ग शो जब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो था और इसे हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया था। और ये शो भी काफ़ी अच्छा शो था जिसे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है। अवतार, और सच में ये एनिमे भी काफ़ी ग्रेट एनिमे है जिसे हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा अपने चाइल्डहुड में, और इसके बारे में भी हमने काफ़ी बातें करी हैं अपने चाइल्डहुड में। और जैकी चैन फैंटेसिया, ये जैकी चैन का काफ़ी ज़बरदस्त एनिमे लगा है मुझे अभी तक का, और ये भी सोनिक पे उस टाइम टेलीकास्ट किया जाया करता था और इस एनिमे को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा था उस टाइम। शक्तिमान, जी हाँ मैंने इसमें शक्तिमान को भी ऐड किया है। शक्तिमान का जो एनिमेटेड शो था ना वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, वो इतना बुरा भी नहीं था बट काफ़ी अच्छा था जिसे मैंने अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा शक्तिमान के उस एनिमेटेड शो को। और सच में इसका टीवी शो तो मैंने अपनी फैमिली के साथ कितनी बार देखा मुझे खुद भी याद है, क्योंकि भाई बचपन में मैंने शक्तिमान का टीवी शो तो बहुत देखा है, बट यहाँ हम एनिमेटेड शो की बात कर रहे हैं जो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा शो था। इनाजुमा 11, और सच में ये एनिमे भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एनिमे था जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा है अपने चाइल्डहुड में। और इसका फुटबॉल खेलने का तरीका, सुपर स्ट्राइकर से तो बहुत ही अलग था, और सुपर स्ट्राइकर अपनी जगह अच्छा है और इनाजुमा 11 अपनी जगह अच्छा है, और ये भी एनिमे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है जिसे मैंने अपने चाइल्डहुड में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा। और इस शो को और इस एनिमे के बारे में भी मैंने अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ काफ़ी बार डिस्कस करा, इवन कि मैं तो अभी अगर मुझे कोई मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं ना स्कूल के, मैं उनके साथ अब भी काफ़ी डिस्कस करता हूँ इन सारे एनिमेज के बारे में। सो गाइस आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पैकअप, बट एक मिनट रुकिए, ये अभी वीडियो का सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कुछ ही एनिमे और कार्टून्स के बारे में बताया, बट अभी तो काफ़ी सारे कार्टून्स और एनिमे भी रह गए हैं जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर काफ़ी जल्द उनके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। और सच में इस वीडियो का सिलसिला बहुत ही लंबा चलने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी, वैसे यार आनी तो चाहिए। अगर आई है तो प्लीज़ यार एनिमे के फैन हो या कार्टून के फैन हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं कह चुका हूँ ये वीडियो का सिलसिला अभी यहाँ नहीं रुकेगा, अभी मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ कार्टून और एनिमे से रिलेटिव, जो हमें कौन कौन से हमारे चाइल्डहुड के फेवरेट एनिमे रहे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैं कुछ और अलग कंटेंट भी बना के ज़रूर लाऊंगा। सो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ।